नंबर था उस 1500 बच्चों का बैच था, उसमें कौन से नंबर पे थे? नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने है एक और दो बच्चों का और सिलेक्शन हुआ है जो कि असम राइफल के अंदर हुआ है। ये है गोलू और आपका नाम क्या बेटे? अंकित मीना। तो अंकित मीना आप बेटे खड़े हुए, तो अंकित मीना आप लोग देख रहे हैं वीडियो के अंदर कि इनकी हाइट भी कम है बट ये पास होकर आए हैं इंडियन आर्मी के लिए। तो कैसे पास हो क्या है, क्योंकि असम राइफल में कितनी हाइट चाहिए बेटे आपको? असम राइफल में 165 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए थी जो कि खुली भर्ती थी। उस खुली भर्ती में 165 सेंटीमीटर में ये पास हो गया है। और ये है गोलू जिसने अपना सौ का फिजिकल मारा है उस भर्ती में। तो दोनों के लिए बहुत शुभकामनाएं बधाई है जो कि एकेडमी से दो बच्चों ने और असम में जाकर फाइनल सिलेक्शन ले गया है। तो दोनों के लिए बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। तो जानेंगे इनसे कि आखिर ये भर्ती होती कैसे है असम राइफल के अंदर जब ये गए। तो बेटे तुम्हें कैसे पता चला, ऑनलाइन थी या ऑफलाइन थी? मतलब ऑफलाइन थी, ऑफलाइन। असम में एक दोस्त था, उसने हमें वेरिफिकेशन डाला कि असम में भर्ती चल रही है ऑफलाइन। तो हमें पता पड़ा तो हमने उसने देखा तो फोन पे तो यूट्यूब वगैरह उसे देख के हम वहाँ पर पहुंचे। तो करीबन हमें 4 दिन लगे पहुंचने में, यहाँ से दिल्ली के लिए, दिल्ली से गुवाहाटी के लिए वेट करता है, फिर वहां से करीबन 90 किलोमीटर पड़ता है मेरा है। तो उसमें बस से आना पड़ता है वहाँ पे। तो वहाँ पे कितने बच्चों को दौड़ाया गया वहाँ पे? 300 बच्चों, एक साथ 300 बच्चों को वहाँ दौड़ाया गया। कितने बजे एंट्री हुई थी वहाँ पे? हमारी एंट्री करीबन सुबह हो गई थी। सुबह हो गई थी। और कितने बच्चों को एक बैच में से पकड़ रहे थे? करीबन 15-20 बच्चों। 15 से 20 बच्चे। तो तुम्हारा कौन सा नंबर था उस 1500 बच्चों का बैच था, उसमें कौन से नंबर पे? पहले नंबर पे दौड़ा। पहले नंबर पे दौड़ा, ये पहले पे दौड़ा है। तुम भी उसी बैच में थे? मेरा अलग बैच थे। तो एक्सीलेंट मारा है असम राइफल में जाके, पहले नंबर पे पहला सौका फिजिकल इसने लगाया है। वीडियो के अंदर आप देख भी सकते हैं कि जो सील लगी है इन दोनों बच्चों के, वो फोटो भी लगा दिए जाएंगे। तो गोलू कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे जब 200 बच्चे 250-300 बच्चों के सामने पहले नंबर पे मारा, तो कैसा फील हो रहा था कि मैं कैसी क्या तैयारी से लगा रहा हूँ? मैंने क्या गुरु जी के पास में करीबन 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ जहाँ पे मैं जुड़ा था। तो गुरु जी इतना अच्छा समझाते, इतना अच्छा दौड़ाते कि इससे ज्यादा उन्हें इतना प्यार देते हैं, मतलब परिवार की तरह रखते हैं और बढ़िया दौड़ाते हैं। तो गुरु जी ने हमें निकालना सिखाया कि बैच में से कैसे निकले, फर्स्ट कैसे मारे, कैसा राउंड, पहला राउंड कितने में निकाले, दूसरा राउंड कितने में निकाले, तीसरा कितने में, चौथे में कितना खींचना, कितनी डालना, कुछ डालना, और बैच बन के कैसे चलो, बच्चों के संगे कैसे चलना चाहिए, कैसे बैच बना के चलना चाहिए, बैच बन रहा उसके साथ में कैसे चले। तो गुरु जी ने हमें जो बताया उसी का।